दक्षिण कोरिया की माननीय प्रथम महिला सुश्री किम जोंग सोक महोदया 6 नवंबर 18 को अयोध्या में दीपोत्सव के पावन आयोजन में उपस्थित हुई थी। भारत एवं दक्षिण कोरिया के प्राचीन और प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधों के दृष्टिगत इस अवसर पर माननीय प्रथम महिला द्वारा से हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के क्वीन हो मेमोरियल पार्क परियोजना का वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने के उद्देश्य से अयोध्या में राम कथा पार्क के समीप 11,658 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 21,92,00,000 रुपये की धनराशि से क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया गया है। इस पार्क में किंग्स पेवेलियन, क्वीन पेवेलियन तथा कोरियन वॉल का निर्माण भी किया गया है। अयोध्या तक कोरिया के गिमेह शहर सिस्टर सिटी भी है। भारत के बौद्ध आचार्य बौद्ध धम्म भगवान बुद्ध के धम्म को चीन होते हुए कोरिया में इसने प्रवेश किया। आपकी ध्यान परंपरा सियोन का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का ही श्रावस्ती है, जहां आपकी यात्रा का उपसंहार हुआ। इस प्रकार बौद्ध जोगेसंग के उद्गम की जड़ें भारत में है। हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं। इस देश से आप विदेश में नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक पूर्वजों के घर में आए हैं। यहां आप अपने गुरु भाइयों से मिलने आए हैं।